Hello, students. Good morning. Last hour question number five completed. Today, start the question number six. Using the given digits, make two different methods of addition. As per example, a number can be used more than one time. Okay. मोर देन वन टाइम या ना यानी एक ही नंबर हम एक टाइम से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ओके यानी टू टाइम्स भी ले सकते हैं और थ्री टाइम्स भी ले सकते हैं एक ही नंबर ओके सी द एग्ज़ाम्पल गेट फोर्टीन यानी फोर्टीन नंबर सी फोर्टीन इज इक्वल टू टोटल करना है हमें कोई भी नंबर चूज़ करके जो आगे दिया था उसमें से तो सिक्स प्लस फाइव प्लस थ्री यानी टोटल फोर्टीन सिक्स एंड फाइव इलेवन इलेवन प्लस थ्री टोटल फोरटीन या फिर ये तीन भी नंबर ले सकते हो फोर्टीन कंप्लीट करने के लिए ओके एट प्लस फोर प्लस टू फोर प्लस टू टोटल सिक्स एंड सिक्स प्लस एट टोटल फोरटीन ओके आप कोई भी नंबर चूज़ करके यानी ज़ीरो से नाइन तक कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो और हमें नंबर कम्प्लीट करना है ओके वन टाइम से ज़्यादा भी आप वो नंबर चूज कर सकते हो ओके तो फर्स्ट वन सी सिक्सटीन नंबर तो सेवन प्लस सिक्सटीन यानी थर्टीन एंड थर्टीन प्लस थ्री टोटल सिक्सटीन ओके तो सेवन प्लस सिक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्सटीन नेक्स्ट नंबर इज़ नाइन ओके नाइन यानी फोर प्लस थ्री टोटल सेवन एंड सेवन प्लस टू नाइन या नाइन ओके नाइन कंप्लीटेड यानी फोर प्लस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू नाइन नेक्स्ट फिफ्टीन नंबर तो सिक्स प्लस फाइव यानी टोटल इलेवन एंड इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन तो फिफ्टीन सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन नेक्स्ट नंबर इलेवन फाइव प्लस फोर नाइन एंड नाइन प्लस टू इलेवन फाइव प्लस फोर प्लस टू इज इक्वल टू इलेवन ओके वैसे आपको ये पूरा क्वेश्चन कम्प्लीट करना है ओके okay? होमवर्क में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमें टोटल कंप्लीट करना है जीरो से नाइन नंबर के बीच में कोई भी नंबर चूज करके ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स इज योर होमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इंसेक्स एज पर द गिवन नंबर्स आर एडिट इन द हॉल विच वे विल द लिजर्ड चूज टू इट दैम लिजर्ड कैन वॉक ओनली ऑन द लाइन्स सी द पिक्चर लिजर्ड जहाँ पे पिंक कलर की लाइन ड्रो है वहीं पे वो वो करके जाएगी ओके सी द एग्जाम्पल विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट ट्वेल्व इनसेट्स ओके तो फर्स्ट ऑफ सी थ्री यानी थ्री नंबर है यहाँ पे थ्री वन एंड एट यहाँ से यहाँ तक टोटल थ्री प्लस वन

तो वन प्लस एट नाइन एंड नाइन प्लस फोर इज इक्वल टू थर्टीन यहाँ पे जो नंबर है वही हम ले सकते हैं उसमें से दूसरा जो नहीं है वो हम नहीं लेंगे ओके तो वन प्लस एट प्लस फोर वो इसमें है तो हमने वो लिया है टोटल थर्टीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच वे विल द लिजर्ड चूज टू ईट फिफ्टीन इंसेक्ट्स ओके फिफ्टीन टोटल हमें कंप्लीट करना है तो थ्री प्लस फोर टोटल सेवन एंड सेवन प्लस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री व्हिच थ्री डिफरेंस वे कैन द लिजर चूज टू ईट फोर्टीन इंसेक्ट्स यानी थ्री टाइम्स हमें कंप्लीट करना है थ्री डिफरेंस वे ओके तो टोटल फोर्टीन थ्री टाइम्स कंप्लीट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 plus 7 is equal to 10. 10 plus 4 is equal to total 14. Okay. Next, 8 plus 2, 10 and plus 4 total 14. And 9 plus 1, 10 and plus 4 total 14. Okay. Next, question number 4. Which two different way can the lizard choose to eat 16 insects? This time, द लिजर्ड विल गो थर्ड फोर बॉक्सिस आगे हमने थ्री में कम्प्लीट किया यहाँ पे हम फोर में कम्प्लीट करेंगे तो फोर में टोटल नंबर लिखेंगे लेकिन टोटल हमें चाहिए सिक्सटीन ओके वन प्लस फाइव सिक्स एंड सिक्स प्लस टू एट एंड एट प्लस एट सिक्सटीन ओके नेक्स्ट थ्री प्लस सेवन टोटल टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन एंड फोरटीन प्लस टू टोटल सिक्सटीन Okay, our question number seven here completed. Next question number eight. Details of the items purchased by a merchant from a shop are given. He has to go from one end to the other end in a boat. The maximum weight which can be carried on दिस बोट इज थर्टी किलोग्राम यानि बोट में ज्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम थर्टी किलोग्राम आएगा ओके सो इन हाउ मैनी वेज विल द मचन केरी थर्टी किलोग्राम फोर फ्रॉम ऑल द थ्री आइटम्स टू द अदर एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स सी द टेबल वेजिटेबल्स यानी थ्री आइटम्स टोटल फर्स्ट वन ऑनियन नाइन किलोग्राम पोटेटो ट्वेंटी किलोग्राम एंड कैबिज थर्टी फाइव सॉरी सिक्स किलोग्राम यानी टोटल थर्टी फाइव किलोग्राम ओके तीनों होगा टोटल थर्टी फाइव किलोग्राम लेकिन हमें यहाँ पर थर्टी किलोग्राम कम्प्लीट करना है क्योंकि बोट में मैक्सीम थर्टी किलोग्राम आएगा ओके सीधे एग्जाम्पल नाइन किलोग्राम ऑनियन्स ओके एंड वन किलोग्राम कैबिजेस ओके तो नाइन एंड वन टोटल टेन किलोग्राम और थर्टी में कितने कम है तो ट्वेंटी किलोग्राम तो ट्वेंटी किलोग्राम पोटेटोज हियर राइट ओके नेक्स्ट सेकेंड वन नाइन किलोग्राम ऑनियन्स एंड फाइव किलोग्राम कैबिजस यानी फाइव एंड नाइन टोटल फोर्टीन यानी थर्टी में कितने कम हैं थर्टी में से फोटीन माइनस कर देंगे तो सिक्सटी किलोग्राम ये राइट पोटेटोज ओके नेक्स्ट नाइन किलोग्राम ऑनियंस प्लस फोर किलोग्राम कैबिजीज यानी नाइन एंड फोर टोटल थर्टीन तो यहाँ पे आएगा सेवेंटीन किलोग्राम पोटेटोज सेवेंटीन प्लस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टी ओके यानी टोटल हमें थर्टी किलोग्राम कंप्लीट करना है नेक्स्ट नाइन किलोग्राम ऑनियन एंड टू किलोग्राम कैबेज़ यानि नाइन एंड टू टोटल इलेवन ओके तो हेयर नाइनटीन किलोग्राम पोटेटोज़ तो हो गए इलेवन प्लस नाइनटीन इज इक्वल टू थर्टी ओके नेक्स्ट सिक्स किलोग्राम कैबेज ओके तो टू हमें लिखना है और थर्टी कंप्लीट करना है तो इसमें से हम नाइन लेंगे नाइन किलोग्राम ऑनियन तो हेयर राइट नाइन किलोग्राम ऑनियन ओके तो नाइन एंड सिक्स टोटल फिफ्टीन और फिफ़्टीन रह गया तो यहाँ पे फिफ्टीन किलोग्राम पोटेटोज ओके तो ट्वेंटी में से लेना है तो ट्वेंटी में से हमने फ़िफ्टीन लिया है ओके तो नाइन किलोग्राम ऑनियंस फिफ्टीन किलोग्राम पोटेटोज़ एंड सिक्स किलोग्राम कैबिजस यानी तो टोटल थर्टी किलोग्राम नेक्स्ट फिफ्टी किलोग्राम पोटेटोज़ यहाँ पे फिफ्टीन ले लिया अब फिफ्टीन बाकी है तो फिफ्टीन में हमें क्या लेंगे तो नाइन किलोग्राम हमने ऑनियनस लिया है एंड सिक्स किलोग्राम कैबिजिस ओके तो नाइन प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्स इज इक्वल टू थर्टी नेक्स्ट ट्वेंटी किलोग्राम पोटेटोज तो उसमें से टेन कम है यानी थर्टी में ट्वेंटी माइनस करेंगे तो टेन बचेंगे तो हियर सिक्स किलोग्राम ऑनियंस एंड फोर किलोग्राम कैबिजीज यानी फोर प्लस ट्वेंटी प्लस सिक्स इज इक्वल टू थर्टी नेक्स्ट एटीन किलोग्राम पोटेटोज ओके तो एटीन टोटल है यहाँ पे जो कम है वो लिखेंगे तो नाइन किलोग्राम ऑनियंस एंड टू किलोग्राम कैबेजिज ओके एटीन प्लस टू ट्वेंटी सॉरी ये थ्री किलोग्राम कैबेजिज कम ओके तो नाइन प्लस एटीन प्लस थ्री ओके नेक्स्ट ट्वेंटी किलोग्राम पोटेटोज तो सेवन किलोग्राम ऑनियंस एंड थ्री किलोग्राम कैबेजिस ओके यानी सेवन प्लस ट्वेंटी प्लस थ्री इज इक्वल टू थर्टी किलोग्राम ओके हियर आवर क्वेश्चन नंबर एट कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर नाइन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे ओके थैंक यू